तो फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही ऑसम जो है वो एक ट्रिक लेके आया हूँ। जो ये जो ट्रिक है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगी और आपके लिए यूजफुल भी जो है वो होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सी शार्प में क्लाइंट और सर्वर सिस्टम कैसे बनाते हैं। यहाँ पर क्लाइंट और सर्वर सिस्टम जो होता है उसमें ये होता है कि हमारे पास एक सर्वर सिस्टम होता है, सर्वर कंप्यूटर होता है, और उस सर्वर के साथ हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर जो है वो लिंक होते हैं। तो वो चीज़ हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे करते हैं ये चीज़ सी शार्प में। सी शार्प में मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मेरे पास एक सी शार्प की एप्लीकेशन है, प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट को जो है वो हम मल्टीपल कंप्यूटर पे, मैं आपको बताऊँगा कि मल्टीपल कंप्यूटर पे इसको कैसे लेके जाना है, और वो मल्टीपल कंप्यूटर से आप जितनी मर्जी इंटरेस्ट करते जाएँ वो जाएगी एक ही डेटाबेस पे। हमारी एप्लीकेशन मल्टीपल कंप्यूटर पे होगी, मल्टीपल कंप्यूटर्स हो गए, लेकिन डेटाबेस जो है वो हमारी एक ही यूज़ होगी। इसी को हम बोलते हैं बेसिकली क्लाइंट और सर्वर सिस्टम। जो हमारी डेटाबेस होगी वो हमारा सर्वर, जो हमारा सर्वर का कंप्यूटर होगा उस पर हम उसको प्लेस करेंगे, बनाएंगे, और बाकी क्लाइंट कंप्यूटर को सर्वर के साथ लिंक करेंगे। क्लाइंट कंप्यूटर जो भी रिक्वेस्ट भेजेंगे, डाटा इंसर्ट अपडेट करेंगे, वो सारा हमारे पास कहाँ पर आएगा, जो हमारी सर्वर पर डेटाबेस पड़ी होगी। 10, 15, 20 जितने मर्जी कंप्यूटर हों, सभी पे एप्लीकेशन सेपरेट चलेगी लेकिन डेटाबेस एक ही यूज़ होगी। तो वही चीज़ जो है वो हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज़ कवर करवाने की कोशिश करूंगा। आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो इस चीज़ को देखना है और इसको ऐसे ही फॉलो करना है। अब यहाँ पे देखें मेरे पास ये एक एप्लीकेशन है, मैं आपको अभी विजुअल स्टूडियो में इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट है, अभी लोड हो रहा है। अब यहाँ पे देखें ये इसकी लॉगिन स्क्रीन है, मैं इसको एडमिन से लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये इसकी होम स्क्रीन है। अब यहाँ पे मैं सर्च में चलता हूँ और यहाँ पे सर्च में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें ये डाटा आ रहा है। अब ये डाटा कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे देखें मेरे पास एसक्यूएल सर्वर ओपन है और यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर में मैं डेटाबेस में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें हमारे पास एक EMS सिस्टम नाम की डेटाबेस है, इसमें हमारे पास ये देखें टेबल है और यहाँ पे एड एम्प्लॉय वाला जो हमारे पास टेबल है, यहाँ से ये जो है वो डाटा हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इंसर्ट वगैरह सारा कुछ ये इसी डेटाबेस में हमारे पास डाटा सेव हो रहा है। अभी यहाँ पे देखें ये एप्लीकेशन इसी सिस्टम पे है। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं इस एप्लीकेशन को मल्टीपल कंप्यूटर पे प्लेस करना चाह रहा हूँ और यहाँ पे ये जो डाटा होगा उनका इसी डेटाबेस से आएगा जो मेरे इस सिस्टम में पड़ी हुई है। ये हम अभी करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखें मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। ये सारी एप्लीकेशन मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, ये हमारी डेटाबेस है। अब स्टेप बाई स्टेप हम जो है वो इस चीज़ को कवर करेंगे। तो सबसे पहला आपने जो काम करना है वो क्या करना है, आपने चले जाना है आपके सर्वर कंप्यूटर में। इसको आप फर्ज कर लें, ये मेरा जो सिस्टम है ना इसको समझ लें आप, ये सर्वर कंप्यूटर है, ठीक है। हम इस पे ही एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल है और इसी पर ही हमारी डेटाबेस होगी। अब यहाँ पे हमारे पास एसक्यूएल सर्वर में ये हमारी जो डेटाबेस पड़ी हुई है, मैं एक बार यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहला आपने जो काम करना है, ये जो भी आपके ऑथेंटिकेशन से लिंक है, जो भी है, इस पर आपने डेस्कटॉप यहाँ पे देखे कनेक्ट सर्वर के साथ, मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊँगा। सबसे पहला काम यहाँ पे चले जाना है अपने पास, इस विंडो में ओपन होगी आपके पास, यहाँ पे कनेक्शन में, यहाँ पे अलाउ रिमोट कनेक्शन टू दिस सर्वर, अगर ये अनचेक है तो इस पर चेक लगा देना है आपने और इसको ओके कर देना है। पहला काम मुकम्मल हुआ। उसके बाद दोबारा आपने क्या करना है, आप देखें हमने मल्टीपल कंप्यूटर पे इस एप्लीकेशन को प्लेस करना है, ठीक है, किस के मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर पे प्लेस करना है और क्लाइंट कंप्यूटर को हमने इस सर्वर के साथ जोड़ना है, इस डेटाबेस के साथ जोड़ना है। अब यहाँ पे इसमें हमारे पास क्या हो सकता है, मल्टीपल डेटाबेस हो सकती हैं। यहाँ पे देखें मेरे पास है भी मल्टीपल डेटाबेस, तो मैंने सिर्फ इसको जितने भी क्लाइंट वाले कंप्यूटर होंगे ना इसको इस EMS सिस्टम वाली डेटाबेस की ही परमिशन देनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक यूज़र बनाएंगे। तो यहाँ पे यूज़र कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखें सारा मैंने क्लोज कर दिया है। यहाँ पे देखें सिक्योरिटी आपको लिखा नज़र आ रहा होगा, इसको एक्सपेंड करें, यहाँ पे लॉगिन्स आ रहे हैं, यहाँ पे पहले से बाय डिफ़ॉल्ट जो लॉगिन्स बने हुए हैं, यहाँ पे मैं एक न्यू लॉगिन बनाऊंगा, न्यू लॉगिन, और यहाँ पे जाके इस लॉगिन को मैं कोई नेम दूंगा अपनी याद आने के लिए कि मैंने इसको नेम क्या दिया था। तो मैं EMS एडमिन के लिए इसका लॉगिन बना रहा हूँ, EMS सिस्टम के लिए, तो मैं यहाँ पे EMS एडमिन दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे विंडोज ऑथेंटिकेशन है यूज़ करिए, एसक्यूएल सर्वर के ऑथेंटिकेशन यूज़ करें, पासवर्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, फिर से कन्फर्म पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। उसके बाद यहाँ पे देखें डिफॉल्ट डेटाबेस में जाके आपने जिस डेटाबेस की इसको परमिशन देनी है EMS सिस्टम, इसको सेलेक्ट करके इसको ओके कर दें। इतना काम हो गया। यहाँ पे देखें हमारे पास यूज़र बन चुका है। अब यूज़र जब हमारे पास बन चुका है, अब हमने इसको परमिशन देनी है कि ये इसमें क्या क्या कर सके। इस पर आप डबल क्लिक कर दें EMS एडमिन वाले में, ठीक है। यहाँ पे देखें हमने ये सारा कुछ किया था, आप उसी वक्त भी कर सकते हैं लेकिन मैंने आपको ओके करके दोबारा से बता रहा हूँ। ओपन हो गया। अब यहाँ पे चले जाना है यूज़र मैपिंग पे।
यूजर मैपिंग पे जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये अभी ओपन हो जाएगा यूजर मैपिंग। अब यहाँ पे देखेंगे सभी डाटाबेस आ रही है, हमने कौन सी डाटाबेस पे देनी है इसको, ईएमएस सिस्टम, यहाँ पे चेक कर जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ईएमएस सिस्टम का मेंबरशिप रोल जो है ना, यहाँ पे एक तो आपने पब्लिक पे चेक लगाना है और डीबी ओनर बना लेना है इसको, ठीक है, कि ये डेटाबेस का ओनर है, और इसको ओके कर देना है। एसक्यूएल सर्वर पे आपने यही काम करना है, ठीक है। अभी देखेंगे कह रहा है कि क्रिएटिंग फील्ड ऑफ यूजर ईएमएस एडमिन, एक मिनट में यहाँ पे इसको रोल एडमिन, ये देखिए कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द करंट डेटाबेस, मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, मेरे ख्याल में मैंने पहले भी बनाया था, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। डेटाबेस ईएमएस सिस्टम, यहाँ पे सिक्योरिटी यूजर्स, ये देखें यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार, ओके कर दिया, यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। अब दोबारा चलते हैं यहाँ से बाहर सिक्योरिटी में, दोबारा से यहाँ से सिक्योरिटी में लॉगिन पे, यहाँ पे देखें जो हमने यूज़र बनाया था इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा दोबारा से, यहाँ देखें वो सारा कुछ हमने वैसे यूज़र मैपिंग के बाद यहाँ पे देखिए इस डेटाबेस के लिए बनाना है ईएमएस सिस्टम, और यहाँ पे इसको डीबी ओनर इस पे चेक लगा देना है और इसको ओके कर देना है। अब चेक करते हैं, अभी देखें वो पहले से मैंने एक बनाया था तो इसलिए हमारे पास एरर आया, अब देखें एरर नहीं आया और हमारा एक यूज़र जो है वो परफेक्ट सक्सेसफुली जो है वो बन गया है। तो यहाँ पे हमने जो एसक्यूएल सर्वर में काम करना था वो यही था, एसक्यूएल सर्वर की सेटिंग यही थी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो सेटिंग सारी आपने करनी है ना, ये जो मैंने यूज़र क्रिएट करने हैं, ये सारा आपने सर्वर जहाँ पे आपके डेटाबेस प्लेस है उस सिस्टम में आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने जाना है विंडो कॉन्फ़िगर एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में जाना है, यहाँ पे आप टाइप करें एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे देखें अभी ये देखें मेरे पास आ रहा है, लेकिन मतलब ये वाला नहीं चाहिए हमें, अगर आपके पास नहीं आ रहा तो इसका मैंने सिंपल हल रखा है, ये मसला काफ़ी बार जो है वो आ जाता है। तो यहाँ पे देखें मैंने एक यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर 2016 आपके पास एसक्यूएल सर्वर तो ये आप ये वाली कमांड लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ, 2014, 12 और 8 सभी के लिए ऐसे लिखी गई है। अब मैं मेरे पास 2014 है, मैं इसको ऐसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ अपने सिस्टम में, यहाँ पे जाके मैं दिस पीसी में चलता हूँ, यहाँ पे जाके ऊपर बार में मैं इसको पेस्ट करूंगा और इंटर प्रेस कर दूंगा, उसके बाद ये मुझसे परमिशन मांगेगा, मैं इसको यस कर दूंगा। अब यहाँ पे हमारी होगा क्या कि हमारी जो है वो एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर खुद से ही जो है वो ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर ओपन हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में चले जाना है, यहाँ पे देखें एसक्यूएल सर्वर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, उसके अंदर आपके पास आ रहा होगा प्रोटोकॉल्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, इस पर आपने क्लिक करना है, डबल क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे देखें TCP/IP लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये डिसेबल्ड होगा, ऐसे होगा आपके पास, आपने इसको ऐसे एनेबल कर देना। अब यहाँ पे मैसेज में कह रहे हैं चेंजेस तभी अप्लाई होगी जब आप जो है एसक्यूएल सर्वर की जो है ना उसको रीस्टार्ट करेंगे, मैं इसको ओके कर दूंगा, अभी रीस्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये एनेबल हो चुका है, उसके बाद आपने इसी पे ही डबल क्लिक करना है, ये वाली विंडो ओपन होगी, आईपी एड्रेसेस में चले जाना है ऊपर, और यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर लेना नीचे लास्ट पे ले आना है। यहाँ पे देखिए TCP डायनेमिक पोर्ट एम्प्टी, अगर कुछ लिखा है तो इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद TCP पोर्ट यहाँ पे 1433 आपने यहाँ पे प्लेस लिख देना है, ठीक है, ऐसे ही आपने लिखना है 1433 और इसको ओके कर देना है। ये थी हमारी एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की सेटिंग। अब ये जैसा कि मैंने आपको बताया ये सेटिंग तभी अप्लाई होगी जब हम इसको रीस्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं एसक्यूएल सर्विसेज, यहाँ पे देखें ये अभी रनिंग में एसक्यूएल सर्वर, इस पर राइट क्लिक करें और इसको रीस्टार्ट कर दें। तो ये एसक्यूएल की सर्विस जो है ना रीस्टार्ट हो जाएगी और हमारी चेंजेस जो है वो अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। सेकंड स्टेप आपने एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की, ये जो मैंने आपको सेटिंग बताई ये वाली आपने करनी है, सर्वर सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी सेटिंग आपने जिसको आप सर्वर बना रहे हैं जहाँ पे आपकी डेटाबेस प्लेस है वहाँ पर आपने जो है वो ये सारी सेटिंग करनी है, ठीक है। तो अभी ये देखें रीस्टार्ट हो चुकी है, अब यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा क्लोज, इसकी सेटिंग हमारी हो चुकी है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट पे जाना है, यहाँ पे लिखना है फायरवॉल एंड सिक्योरिटी, विंडो फायरवॉल विद, मेरे पास आ रहा है विंडो फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी, आपके पास जो भी आ रहा है विंडो फायरवॉल विद सिक्योरिटी आपने ओपन करना है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये देखें जैसे ही ओपन होगा यहाँ पे आपने चले जाना है, यहाँ पे देखें आपको लिख रहा है इनबाउंड रूल्स, इस पर जाके आपने राइट क्लिक करना है, न्यू रूल पे क्लिक करना है,
हम एक न्यू रूल बनाएंगे, ठीक है। ये विंडो आपके पास ऐसे ही ओपन होगी, तो यहाँ पे आपने प्रोग्राम की बजाय इसको पोर्ट करना है और इसको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे ऊपर टीसीपी सिलेक्ट है, इसको सिलेक्ट ही रहने देना है। यहाँ पे स्पेसिफिक लोकल पोर्ट सिलेक्ट है, तो इस पे यहाँ पे आपने लिख देना है 1433, 1433 जो पोर्ट मैंने आपको TCP/IP में बताई थी वो वाली यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट कर देना है, अलाउ द कनेक्शन, नेक्स्ट कर देना है। डोमेन तीनों पे चेक लगा होना चाहिए, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आप इस रूल जो हम रूल बना रहे हैं इसको याद रखने के लिए या कि किस लिए बनाया था, तो ये आप इसको एक यूनिक नेम दे दें। जैसे कि मैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बना रहा हूँ इसको, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ EMS सिस्टम एडमिन रूल, ये मैंने नेम दे दिया। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं अपनी याद आने के लिए, ठीक है। इसको फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद ये जो मैंने न्यू रूल बनाया है, यहाँ पे देखें ऊपर टॉप पे मुझे नजर आ रहा है ये प्रोफाइल है, ये इनेबल्ड है, अलाउड, सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं आप। हमारा रूल जो है वो बन चुका है। अब यहाँ पे विंडो फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी में रूल बनाने के बाद हमारा काम खत्म हो गया। अब हमने इसको क्लोज कर देना। ये तीन स्टेप हो गए, पहली एसक्यूएल सर्वर की सेटिंग, दूसरी एसक्यूएल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की मैंने आपको सेटिंग बताई, तीसरी जो है वो मैंने अभी आपको फायरवॉल की सेटिंग बताई। अब ये सर्वर पे तीनों सेटिंग करने के बाद हमारा काम जो है वो फिनिश हो गया। हमने अभी मतलब और कोई सेटिंग नहीं करनी। अब हमने अपनी एप्लीकेशन जो प्रोजेक्ट जिसको हमने मल्टीपल PC पर रन करना है उसकी सेटिंग करनी है, तो उसकी सेटिंग क्या करनी है, अब चलते हैं उस प्रोजेक्ट की तरफ। यहाँ पे ये वाला मेरा प्रोजेक्ट है। अब आपको पता होगा कि जब हम इसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होती है, कनेक्शन स्ट्रिंग होती है, और वो कहाँ पे प्लेस होती है, वो हमारे पास होती है app.config फाइल में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए मेरे पास app.config फाइल में हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग होती है जो हमारे हमें डेटाबेस के साथ लिंक करती है। अभी देखिए डाटा सोर्स में डॉट दिया है, मतलब डेस्कटॉप की ऑथेंटिकेशन थी, इनिशियल कैटलॉग, डेटाबेस का नाम, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू, बस यही था। अब हमने इसको चेंज करना है। क्या चेंज करना है, अब यहाँ पे डाटा सोर्स में आपने जो आपका सर्वर है, ये मेरा सर्वर सिस्टम है, इसका IP एड्रेस देना है आपने। अब IP एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा, आपने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे टाइप करना CMD कमांड प्रॉम्प्ट, ये आ गया हमारे पास। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके लिखना है आपने जनाब, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, IP config, IP config, और इंटरप्रेस कर देना है। करते ही आपके पास यहाँ पे ये सारी डिटेल आ जाएगी, जो हमें चाहिए वो ये वाला है IPv4 एड्रेस, ये हमारा IP एड्रेस होता है, ठीक है। ये वाला एड्रेस आपने लिखना है यहाँ पे डेटा सोर्स के आगे, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ 192.168, यहाँ पे 192.168. आगे देख लेते हैं कि आगे क्या था, 100.12.112, ये हमारा हो गया IP एड्रेस। इतना जहाँ पर IP एड्रेस खत्म हो रहा है उसके बाद आपने लगाना है कोमा, उसके बाद आपने पोर्ट नंबर देना है जो आपको मैंने अभी दिखाया था 1433 पोर्ट नंबर, ठीक है। TCP में भी जो बताया था मैंने आपको, ठीक है, वो वाला 1433। उसके बाद यहाँ पे जाके अब देखें, जब आपको याद होगा जब हमने यहाँ पे रूल लॉगिन बनाया था ना यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, EMS एडमिन दिया था उसको लॉगिन का नेम, और यहाँ पे पासवर्ड हमने दिया था 123456। अब वो भी आपने यहाँ पे देना है। यहाँ पे देखें इनिशियल कैटलॉग के बाद इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर आईडी इक्वल टू, यूजर आईडी हमारी कौन सी थी, EMS एडमिन जो हम लॉगिन बनाया था। उसके बाद मैं लगाऊंगा सेमीकोलन, उसके बाद दूंगा पासवर्ड भी हमने इसको लगाया था, पासवर्ड इज इक्वल टू 123456 हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम दे देंगे प्रोवाइडर नेम जनाब हम देंगे system.data.sqlclient, ये हमने प्रोवाइडर नेम दे दिया। अब हमारी सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है एप्लीकेशन में, इसको आपने करना है सेव। अब जैसे ही आप ये स्ट्रिंग चेंज करो, डाटा से चेंज करो, यहाँ से सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाकर इस प्रोजेक्ट को आपने बिल्ड लाजमी करना है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ज़रूरी जो है वो बताता चलूँ, यहाँ पे अब देखें इसी पे भी हमने इस एप्लीकेशन को यूज़ करना ही है ना, तो इसी पे तो विदाउट इंटरनेट भी आपकी वर्क करेगी ये एप्लीकेशन, अगर आपका इसके साथ इंटरनेट नहीं भी वर्क तब भी काम करेगी। लेकिन जो क्लाइंट, जिस क्लाइंट को हमने यहाँ पे लिंक करना है, उनके सिस्टम में इंटरनेट होना चाहिए, तभी ये एप्लीकेशन उनके सिस्टम में रन करेगी, डेटाबेस से डाटा लाएगी, इंसर्ट करेगी, अपडेट करेगी।
अगर उनके सिस्टम में डाटा इंटरनेट नहीं है तब ये वर्क नहीं करेगी। और दूसरी चीज, ये सारे सिस्टम जितने भी है, क्लाइंट और सर्वर, एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने चाहिए, एक वाईफाई के साथ कनेक्ट होने चाहिए, फिर वर्क करेगी, अलग अलग नहीं होने चाहिए। ठीक है, हो गया। ऑफिस वगैरह में बेसिकली ऐसे ही होता है कि एक उनके पास इंटरनेट लगा होता है और मल्टीपल कंप्यूटर जो है वो उसी के साथ कनेक्ट होते हैं और सर्वर के साथ भी उसी वही चल रहा होता है। तो वहाँ पे मतलब ये वही वाला सिस्टम आप कह लें, क्लाइंट एंड सर्वर वाला। अब हम इसको इसी सिस्टम पे पहले जो है वो चेक करते हैं, स्टार्ट करके, यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं कि पहले इसी सिस्टम में सही से चल रही है या नहीं, उसके बाद हम क्लाइंट की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्रेस बार चल रही है, उसके बाद यहाँ पर देखें हमारे पास अभी आया हमारे पास लॉगिन फेल्ड फॉर यूजर एडमिन, रीजन द पासवर्ड ऑफ द अकाउंट मस्ट बी चेंज। ठीक है, पासवर्ड में कोई मसला आ रहा है मेरे ख्याल में। यहाँ पे मैं इसको एग्जिट करता हूँ, यहाँ से एक बार पासवर्ड में मेरे ख्याल में कोई मिस्टेक हो गई है। EMS एडमिन, चलें यहाँ से जाकर हम पासवर्ड दोबारा इसको दे देते हैं, EMS एडमिन। तो यहाँ पे जाके एक मैं क्या करता हूँ, मैं इसको देखें यहाँ पे इसको मैं करता हूँ डिस्कनेक्ट। हम चेक करते हैं कि हमारा सही से वर्क कर रहा है या नहीं जो हमने न्यू लॉगिन किया है। तो उसके लिए डेटाबेस इंजन के साथ दोबारा कनेक्ट करूँगा, यहाँ से सर्वर नेम यही SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे लिखूंगा EMS एडमिन का हमने क्रिएट किया था, EMS एडमिन, और पासवर्ड में हमने दिया था 1 2 3 4 5 6। कनेक्ट करता हूँ तो देखें वो कह रहा है पासवर्ड एक्सपायर्ड हो चुका है आपका, इसको एक नया पासवर्ड दें। तो नया पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक दे देते हैं, पहले 6 तक था, 1 2 3 4 5 6 7। ओके करता हूँ तो देखिए अभी हमारा जो हमने दिया है उससे कनेक्ट हो रहा है अभी, ठीक है। ठीक है, डेटाबेस सारा कुछ देखें आ रहा है, इसको मैं अभी डिस्कनेक्ट, अभी दूसरा भी कनेक्ट कर लेते हैं। हमारा जो मेन सर्वर वाला है उसमें हमने सिर्फ विंडोज ऑथेंटिकेशन ही लगाई है, कनेक्ट करता हूँ। देखें ये पहले वाला जो हमारे पास आ रहा है, ये EMS एडमिन जो हमने लॉगिन क्रिएट किया है वो वाला, ये हमारा मेन जिसके अंदर हमने ये लॉगिन क्रिएट किया है। ठीक है, अभी हमने इसका पासवर्ड 1 2 3 6 से करके जो है वो 7 तक कर दिया है। अभी हम यहाँ पे भी चेंज करेंगे, यहाँ पे जाके मैं इसको कर दूंगा 6 की बजाय आगे 7 भी लगा दूंगा। सेव करके दोबारा चेक करते हैं, अभी तो नहीं मसला, स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड ये अभी प्रोग्रेस बार चल रही है, अभी चेक करते हैं, अभी देखें कोई एरर नहीं आया, हमारी एप्लीकेशन इस सिस्टम में तो बिल्कुल अच्छे से लोड हो चुकी है। लॉगिन करते हैं एडमिन, एडमिन, एक मिनट, एडमिन लिखना है यहाँ पे, पासवर्ड क्या था, एडमिन लिखना है, एडमिन, लॉगिन करता हूँ इसको, देखें ये लॉगिन भी हो चुकी है। सर्च में जाते हैं तो रिकॉर्ड भी आ रहा है हमारे पास, क्लोज कर देता हूँ, अभी इस सिस्टम में तो बिल्कुल अच्छे से चल रही है। अब मैं क्या करना करता हूँ नेक्स्ट, अब हमने इसको क्लाइंट के सिस्टम में सेटअप करना है। देखिए ये जितनी भी सेटिंग थी बस सर्वर पे ही करनी है आपने, क्लाइंट पे इसके कुछ नहीं होना, बस क्लाइंट पे कॉपी पेस्ट ही होना है ये वाले प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ, अब यहाँ पे मैं इसको जनाबे वाला इसको मिनिमाइज करता हूँ, ये मेरे पास जहाँ पे पड़ा है मैं उस डायरेक्टरी में जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये देखें EMS सिस्टम ये पड़ा हुआ, अब ये वाला प्रोजेक्ट है। अब देखें जब आपने क्लाइंट के सिस्टम में इसको कॉपी पेस्ट करना है तो ये आप सारा ना करें कॉपी पेस्ट, ये सोल्यूशन फाइल ना दें, आप यहाँ पे चले जाएं EMS सिस्टम, यहाँ पे इसके अंदर बिन, यहाँ पे इसके अंदर डीबग, ये डीबग वाला फोल्डर आप कॉपी कर दें सिंपल, ये वाला डीबग वाला कॉपी। मैं आपको पूरा एक बार करके दिखाता हूँ कि क्लाइंट के सिस्टम में हम कैसे करेंगे। मेरे पास एक USB है, मैं यहाँ से इसको वो इसके साथ अटैच करता हूँ अपने सिस्टम के साथ, ठीक है, इसको सेंड टू करके, अभी मेरे पास ये देखें आ रही है USB, इसको मैं पहले कॉपी करता हूँ, यहाँ पे अपनी ये वाली USB है, यहाँ से इसको मैं डिलीट कर दूँगा। और यहाँ पे ये जो हमने डीबग वाला फोल्डर अभी कॉपी किया है ना वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V से पेस्ट किया तो ये हमारे पास अभी देखें ये कॉपी हो रहा है डीबग वाला फोल्डर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड ये वाला डीबग वाला फोल्डर हमारे पास इस फ्लैश USB में जो है वो फ्लैश या USB में कॉपी हो चुका है, मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ। अब हम चलते हैं क्लाइंट के सिस्टम में, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मिनिमाइज करता हूँ, इसको भी मिनिमाइज करता हूँ, और यहाँ पे चलता हूँ एनी डेस्क में, मैं एनी डेस्क की हेल्प से जो है वो सेकंड PC को कनेक्ट करूँगा, वो मेरे पास यहाँ पे पास ही पड़ा हुआ है, तो इससे मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको भी दिखा सकूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड
ये जो क्लाइंट वाला सिस्टम है उसका एड्रेस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ उसका एड्रेस। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं उसका एड्रेस लिखता हूँ जैसे कि 758, ये वाला। ओके करता हूँ। तो ये भी रिक्वेस्ट जो है वो उसको चली गई है, ये मेरे पास ही पड़ा है सिस्टम, मैं यहाँ वहाँ से उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें एक्सेप्ट हो चुका है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्लाइंट का सिस्टम है, इसमें देखें कोई एसक्यूएल सर्वर कुछ भी इंस्टॉल नहीं है। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ कंट्रोल पैनल में, ये देखिए कंट्रोल पैनल, यहाँ पे जाके अन इंस्टॉल ए प्रोग्राम, और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको अभी कुछ भी इसमें इंस्टॉल नहीं है, एसक्यूएल सर्वर वगैरह या कोई चीज़ इसमें देखें इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, तो डेटाबेस हमारी ये सर्वर के साथ ही लिंक होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से करता हूँ क्लोज। अब हम मैं जो यूएसबी मैंने कॉपी किया है ना वो मैं यहाँ पे इसके अंदर लगाता हूँ यूएसबी को। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो है वो यूएसबी लगा दी है, ये देखें यहाँ पे शो भी हो रही है। अब ये वाला जो है ना मैं इसको कॉपी करता हूँ डिबग वाले फोल्डर को, यहाँ से मैंने किया है इसको कॉपी, इसको किसी ड्राइव में रख देता हूँ इसकी, जैसे कि ये वाली ड्राइव, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखें यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे फ्रेंड देखें ये क्लाइंट के सिस्टम में हमारे पास जो है वो आ चुका है उसकी ड्राइव में। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ डीबग के फोल्डर को ईएमएस सिस्टम, ये मैंने इसको नेम दे दिया। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, ये सारा काम मैं क्लाइंट के सिस्टम में कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें एक्जी फाइल होगी इसकी, यहाँ पे आपको ईएमएस सिस्टम डॉट ई एक्जी, इस पर राइट क्लिक करता हूँ मैं, इसको सेंड टू, यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्रिएट शॉर्टकट कर देता हूँ और इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे देखें यहाँ पे आ चुका है शॉर्टकट, इसको मैं अभी रीनेम करके यहाँ पे मैं ईएमएस सिस्टम कर देता हूँ, ईएमएस सिस्टम एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। अभी हम इस पर डबल क्लिक करके चेक करते हैं कि यहाँ पे क्लाइंट, अब देखें ये क्लाइंट का सिस्टम ही है ना, यहाँ पे वर्क कर रही है, यहाँ पे देखें प्रोग्रेस बार आ चुकी है। अब ना तो इसमें डेटाबेस है ना कोई और चीज़ है, लेकिन ये फिर भी एप्लीकेशन चल रही है। मैं इसको एडमिन एडमिन से लॉग इन करता हूँ। तो यहाँ पे देखें अब ये क्लाइंट के सिस्टम में वर्क कर रही है। अब यहाँ पे देखें सभी कुछ कर सकता है क्लाइंट, यहाँ पे देखें डाटा, अब ये डाटा देखें कहाँ से आ रहा है, ये जो मेरा ये वाली मेरे मेरे सिस्टम में ये वाली डेटाबेस है जो सर्वर में हमारे पास ये वाला सर्वर वाला ना, यहाँ से हमारे पास डाटा आ रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको क्लाइंट वाला चेक कराता हूँ, ये देखें एड्रेस के अंदर है ये। अब इसको मैं एंट्री करके दिखाता हूँ आपको एड एम्प्लॉय भी कर सकता है या नहीं। तो जल्दी से मैं ऐसे ही कोई नेम लिख लेता हूँ रैंडम से, ये मैं ऐसे रैंडम से टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, डिपार्टमेंट यहाँ से बाहर एप्लीकेशन। अभी देखें इसका नेम डिफाइन मैं कर देता हूँ एडमिन लिख देता हूँ, चले ताकि हमें डिफाइन तो होना रिकॉर्ड ये इंसर्ट हुआ है भाई या नहीं। या मैं इस पर सेव करता हूँ, देखें स्ट्रिंग और बाइनरी डाटा वुड बी ट्रंकेटेड स्टेटमेंट है। अभी इसमें कोई मसला आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ क्या मसला है। यहाँ पे ये मसला मतलब इसकी इंसर्ट पे आ रहा है, एप्लीकेशन में नहीं मसला आ रहा है, डाटा जाएगा, यहाँ पे इंसर्ट पे भी मसला आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको इसको कोई चेक करना पड़ेगा मुझे कि यहाँ पे क्या मसला है, स्ट्रिंग और बाइनरी डाटा वुड बी ट्रंकेटेड स्टेटमेंट में, यहाँ पे कोई इंसर्ट पे कोई क्वेरी पे में कोई मसला आ रहा है। वैसे हमारी एप्लीकेशन सही से चल रही है, अगर वैसे कोई मसला होता तो यहाँ पे डाटा भी नहीं आना था। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको देखे सर्च कर रहा हूँ अलीरजा हो रहा है, वो क्यूरी में कोई मसला आ रहा है जब हम इसको सेव करते हैं, ये कोई होगा मैंने चेक नहीं किया। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं कोई और चीज़ आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखें ये इसको सेव करते हैं इमेज, इसको यहाँ से मैं करता हूँ न्यू कंपनी, क्लियर कर देता हूँ, सेव कर देते हैं। अभी एक इमेज लगाई थी मैंने, उसका पाथ नहीं मिला, कोई इमेज इस यहाँ पे लगा देते हैं कोई इस सिस्टम में अगर पड़ी हुई तो। पिक्चर्स में चलते हैं,
कोई इस सिस्टम में पता नहीं इमेज पड़ी है या नहीं। चले ये वाली पड़ी है, इसको ओपन करके यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। देखें डाटा सेव सक्सेसफुल और डाटा यहाँ पे देखें अपडेट भी हो गया। यहाँ पे देखें ये देखें एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। वो क्यूरीज में कोई मसला आ रहा है और भी, या देखें क्लाइंट के सिस्टम में बिल्कुल अच्छे से जो है वो सारा कुछ लोन वगैरह सारा कुछ ठीक आ रहा है। टेंडर्स किसी को लगा के देखें हम तो वो भी देख सकते हैं। ये देखें मैं यहाँ पे इसको प्रेजेंट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, देखें सेव सक्सेसफुल ठीक है। तो ये देखें अब क्लाइंट के सिस्टम में क्लाइंट सारी एंट्रीज कर रहा है, कहाँ से कर रहा है वो हमारी डेटाबेस जो हमारे सेव कहाँ पे हो रही है, जो हमारे पास जो सर्वर पे डेटाबेस थी। तो ये देख रहे हैं हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है ये आपको काफ़ी हेल्प देगी। अगर आपके ये वीडियो मेरी किसी काम आई है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होता है हौसला अफजाई जो है वो मिलती है। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।